अब लोक कलाकार नहीं रहेंगे बेरोजगार सरकार देगी राजकीय कार्यक्रमों में रोजगार राजस्थान के लोक कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा देगी इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कलाकारों को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा डॉक्टर कल्ला ने शासन सचिवालय में योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर कल्ला ने कहा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना दो के अंतर्गत राजस्थान के स्थानीय या देश कला के कलाकारों को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा बजट घोषणा दो हजार के क्रम में विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है देश का पहला प्रदेश है राजस्थान जो कलाकारों को रोजगार देगा उन्होंने बताया कि स्थानीय कलाकारों को सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने वाला राजस्थान संभवतः देश में पहला प्रदेश है ये कलाकार गायनीय वादनीय नृत्य अभिनय या नाटक करने वाले होंगे जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों उत्सवों में सौ दिन के कला प्रदर्शन की मांग कर सकेंगे योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार राजस्थान नाटक संगीत अकादमी की अध्यक्षता बिनाका जेस मालो ने बताया कि अकादमी योजना के माध्यम से लोक कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि योजना के गांव डाणी से कस्बों तक सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है इस योजना की अद्यतन प्रगति और प्रारूप में लोक कलाकारों द्वारा आवेदन पत्र प्रक्रिया और भुगतान सहित महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी मंत्री को अवगत कराया गया है बैठक में कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे